तीन गुण की दारू तुझ में तीन गुण की रोवे और गिंग्या और पास को पैसा खर्च करें और मुफत में जूता खाए कि दारू तुझ में तीन गुण रोवे और गिंग्या आदमी और पास को पैसा खर्च करें और मुफत में जूता खाए। अच्छा एक बात और देख रहे, एक विशेषता और है पुलिस वाले भैया जी, आप समझना कि ये पॉइंट की बात है, समझना आप मैं जो बोल रहा हूं है ना। देखो दारू वाले यदि पीक है घर जात है तो रोड में लहरा और लहरा बिल्कुल चली जा रहा है और खोल दरवाजा खोल खोल और जैसे अब समझना आया, जैसे दरवाजा खोलने भैया खुद की बहन आ गई, बहन ने यदि दरवाजा खोल दिया कुछ नहीं करेगा, जान रहा है तुम कि जब बहन आए जान रहा है कि जब हमारी बड़ी भाभी आए, और पत्नी ने यदि दरवाजा खोल दिया तो वो शब्द उपयोग नहीं करना चाहता, इतनी देर लगाए दरवाजा खोल में खाना का बना, अरे तुमने लाई के कछु नहीं धरे खाना का बना देगा, माने यदि पत्नी ने दरवाजा खोल नहीं तुम बिल्कुल पकड़ ले किचकिचा, तो तुम जान रहे जब पत्नी आ भाई जब पत्नी आ और मान लो दरवाजा बहन ने खोल दी तो तुम भी तो पहचान रहे हो जब बहन आए, पर वो के साथ कोई व्यवहार क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा डामर रोड में चल रहा है पूरी रोड कवर कर रहा है, बिल्कुल जा रहा है पूरी रोड कवर कर रहा है, हम दारू पिए, अब भैया दारू पिए और फिर तुम्हें रोड कैसे दिखा रहे हो, जे पॉइंट की बात भैया समझना, दारू यदि आप पियो और आप नशा में हो, नशा में नहीं हो आपको होश है, हम कहते हैं पीने वाले को होश रहती है, हम कह रहे हैं मज से, भाई आप यदि नशा में हो तो आप घर की रास्ता कैसे मानो, आप पहचान कैसे कर रहे हैं कि मिठाई है जो नमकीन है, चाय पी ले तो तर्ज है पूरे 200 रुपया खराब हो गए नमकीन नहीं पे भाई, आप तो फिर पहचाने नहीं होनी चाहिए जो गोबर है और जो फिर निष्ठा है ना, फिर तुम तो उठा गोबर खा लो तुम्हें तुम्हारे होश ही नहीं है, इसका मतलब उसको पूरी होश रहती साहब, घर में जाता है यदि अपना सम्मान नहीं, यदि पिताजी दरवाजा खोल दे तो आधी उतर जाओ आधी उतर जाए ताओ के पे बते हैं बस घरवाली पे इतने देर लगाए कस दरवाजा खटखटा पागल समझे खाना का बनाए, उनकी जब विशेष करे तो आप एक अंतरे में समझना मैं कह रहा हूं कि दारू तुझ में तीन गुण की दारू तुझ में तीन गुण की रोबे और गिंग्या और पास को पैसा खर्च करे और मुफत में जूता खाए, बंटी तिवारी की ओर से एवं पुलिस वाले भी निवेदन करते हैं सभी से और माताएं बहने भी निवेदन कर रही हैं, माताएं बहने और हम मंच से बंटी तिवारी और पुलिस स्टाफ सभी लोग आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, उसमें सबका फायदा है, क्या निवेदन करते हैं, अरे दारू छोड़ दे रे मेरे भोरे इंसान, दारू छोड़ सट्टा छोड़ दो, सट्टा भैया की यह स्थिति है कि महिलाओं के घर में थाली तक नहीं बची, भाइयों ने सब आके लगा दिए, भेजे थे ठेला लेके सब्जी ले आने 100 रुपया दे दिए, वे 100 की जोड़ी लगा दी और खाली ठेला लेके चले जा, माताओं के गले में एक चांदी की पत्ती तक नहीं है, जेवर गिरवी रखता है सब डालता है और सट्टा खेल रहे दारू पी रहे, महिलाओं का ज्यादा नुकसान है, माताओं बहनों का ज्यादा नुकसान है, इसलिए समस्त समिति वाले बंटी तिवारी जी एवं पुलिस वाले आपसे निवेदन करते हैं कि दारू छोड़ दो रे मेरे भोरे इंसान, दारू पीने से क्या होता है सुनो, दारू वालों को हाल तुम्हें हम सुना, दारू वालों को हाल तुम्हें हम सुना, दारू वालों को
सुना है। दारू पी कर बे आए मोड़ी मोड़ो थे सताए, दारू पी कर बे आए मोड़ी मोड़ो थे सताए, घर में हुड़दंग सी मचाए, दारू छोड़ दो। दारू वालों को हाल तुम्हें हम सुनाए, दारू पी कर बे आए मोड़ी मोड़ो थे सताए, घर में हुड़दंग सी मचाए, दारू छोड़ दो। हे दारू छोड़ दो, दारू छोड़ दो रे मेरे मोरे इंसान, दारू छोड़ दो, दारू छोड़ दो रे मेरे मोरे इंसान, दारू छोड़ दो रे मेरे मोरे इंसान, दारू छोड़ दो, दारू छोड़ दो।